आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे नए वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, और उन्हीं के हवाले से बात होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि आयशा गुलालई साहिबा के हवाले से जो मामला सामने आ गया है, मीडिया के अंदर दोनों खबरें जो हैं अब अटेंशन के लिए कम्पीट कर रही हैं। नए वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि 45 दिन के लिए आया हूँ, सीट गर्म रखने के लिए नहीं आया, बहुत ज़्यादा काम करूँगा, 45 माह में जो काम होगा वो मैं 45 दिन के अंदर कर डालूंगा, जो 45 माह के होना है। शायद मियां साहब को चाहिए था, शायद खाकान अब्बासी साहब को पहले ही वो चुन लेते कि 45 माह का काम अगर उन्होंने 45 दिन के अंदर करना था। जो अपोजिशन के हवाले से बात सामने आई वो ये कहा जा रहा है कि मुनकसम रही अपोजिशन, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा ना हो सकी, अपनी स्ट्रेंथ शो ना कर सकी, सियासी माहौल जो है डिवाइडेड है। क्या इस वक्त सियासत में इकट्ठ जो है वो ज़रूरी था, या सियासत के अंदर स्टेटमेंट ये देना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ज़रूरी था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद मुख्तार हैं और अपनी सियासत खुद करेंगे, ना कि अपना वज़न किसी दूसरे की झोली में डाल रहे होंगे। ये चीदा चीदा मामलात हैं जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बात की, जो आयशा गुलालई साहिबा ने बात की, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देता हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में शाहिद सैयद साहब, सदर अवामी नेशनल पार्टी सिंध, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। थोड़ी देर में मलिक अहमद खान साहब जो तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, वो और साजिद अहमद साहब मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा MQM पाकिस्तान हमारे साथ होंगे। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अगर आपसे शुरू कर लूँ, मैंने अभी कहा कि आयशा गुलालई साहिबा का मामला और वज़ीर आज़म, नए वज़ीर आज़म साहब का इंतखाब जो है आपस में कम्पीट कर रहे हैं टेंशन के लिए, मामला बहुत संजीदा है, आपकी पार्टी को जवाब तो देना होगा इसका। यास्मीन राशिद साहिबा, जो आयशा गुलालई साहिबा ने इल्ज़ामात लगाए। देखिए जी, मेरा ख्याल है फैसल, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आयशा गुलालई ने इस तरह की बात की है। मैं पिछले 7 साल से पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ और मैंने हमेशा इमरान खान साहब को जिस इज्जत से ख्वातीन के साथ डील करते हुए देखा, मैं तो ना मुझे कभी शिकायत है और ना कभी किसी और खातून को शिकायत है। उन्होंने आज तक कभी किसी के साथ रूडली बात नहीं की, हालांकि मैं कई दफा सोचती हूँ कि शायद वो जितनी बात हमारी सुन लेते और कोई और लीडर होता तो शायद ख्वातीन की इतनी बात ना सुनता। सबसे बड़ी ये बात है कि आयशा गुलालई साहिबा जो है वो पिछले कई, जब से इलेक्शन हुई फाटा से, एक तो इनको सिलेक्ट करके MNA बनाया, फिर MNA बनके वो पिछले 4 साल से बैठी रही। हमें मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक क्या तकलीफ हुई। मेरी खबर के मुताबिक प्रॉबेबली उन्होंने कोई टिकट मांगा और उसके ऊपर खान साहब ने कहा कि भाई अभी पार्लियामेंट्री, दिस इज व्हाट आई थिंक इट इज, आई एम नॉट श्योर बिकॉज अभी तक मेरी खान साहब से बात नहीं हुई, बट दिस इज प्रॉबली व्हाट हैपेंड कि शी डिड नॉट, उनको कहा गया कि भाई शायद टिकट की अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार इसी तरह से किया। तो ये कोई बात, मेरा ख्याल है कि नामुनासिब बात है। वजह यह है कि मैंने तो खान साहब को कभी किसी के किसी लेकिन आप कह रही हैं कि मामला क्या है, बात दोबारा दोहरा रही हूं, आप कह रही हैं कि मामला क्या है वो आपको अभी नहीं पता। देखिए जी, मुझे मामला पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने इस तरह की गलत बयानी क्या की और उनकी इज्जत कहाँ नहीं महफूज। अभी तो ये जो इजहार तशक्कुर है उसके ऊपर ये स्टेज के ऊपर बैठी हुई थी, मेरी इनसे आमना सामना हुआ, बात हुई, सब कुछ हुआ, तो मतलब ये कि जी सलाम दुआ हुई, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या इस एक दिन के अंदर हो गया जो अचानक उनकी इज्जत जो है वो उसमें कोई मसला बन गया। देयर वाज अ प्रॉब्लम, आई थिंक वी वुड हैव कम टू नो अबाउट इट अर्ली, दिस इज वेरी सैड थिंग। मैं एक खातून होने के नाते मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह की बात जब सामने आए, क्योंकि देखें आप, व्हेन आई वाज, आई हैव बीन इन द पार्टी, आप यकीन जाने इतना बड़ा मजमा होता है। मैं उस मजमे में से, ठीक है मैं बूढ़ी खातून हूँ, मेरे साथ लड़कियां गुजरती हैं, हमें तो सारा मजमा प्रोटेक्ट करता है जब हम गुजर के जाते हैं। और सबसे अहम बात है कि खान साहब का आपने कभी गुस्सा नहीं देखा जब वो स्टेज पे हो और देखें कि कभी कोई धक्का पेल हो रही हो औरतों के उसमें, जितना वो तो स्टेज से बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब ही इज सो पर्टिकुलर दैट वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड, उन्होंने हमेशा खवातीन की इज्जत की। मैं, आप देखिए, एक जो उनकी अब बीवी भी नहीं है जमायमा खान, उसके बारे में भी वो हमेशा इज्जत से बात करते हैं।
یعنی اتنا عرصہ پہلے ڈائیورس ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ ان کے بارے میں عزت سے بات کرتے ہیں. میں دیکھیں اس طرح کی بات سامنے لا کے کوئی بھی خاتون یہ بات کہہ دے اور اس کو آپ جتنا مرضی بڑھا چڑھا لیں, میں تو سوائے ایک افسوس کا اظہار عائشہ گلالے کی اوپر کرنے کے. لیکن یاسمین راشد صاحبہ دیکھیں, جو عورت کو ہمارے معاشرے کے اندر مقام حاصل ہے, ایک طرف تو ہم بہت تذلیل کرتے ہیں اس کی, ایک طرف ہم اس کو حقوق نہیں پورے دیتے ہیں, ایک طرف ہم اس کی آواز دبا دیتے ہیں, ایک طرف ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, دوسری طرف دیکھیے جب ہم معاشرے کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک سرٹن لیول آف عزت جو ہے وہ ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو بڑا افسوس ہوا, آپ کو تو سپورٹ کرنا چاہیے کہ کسی خاتون نے آواز اٹھائی ہے. فیصل میری بات سنیں جی. نو نو نو, آپ نے فیصل ایک بات سنیں, اگر کوئی بات ایسی تھی, ہم ساری خواتین 10,000 دفعہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ہر موقع پہ ملاقات ہوتی ہے, یہ ہماری ایک واحد ایم این اے تھی جو ہمارے ساتھ گفتگو کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی, سلام دعا کے علاوہ انہوں نے کبھی فالتو بات بھی ہم سے نہیں کی. میں آپ کو یہ صحیح بات آ رہی ہوں, میں بات غلط نہیں کر رہی. اگر کوئی ایسی بات تھی تو ہم خواتین ساری وہاں موجود تھی, کوئی ہمارے سامنے ذکر تو کرتی نا, ہمیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں چلا. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پرسوں کے جلسے کے اندر یہ اوپر فرسٹ سٹیج پہ, سٹیج ون پہ بیٹھی تھی, میری سلام دعا ان سے ہوئی, میں یہ سیکنڈ رو میں بیٹھی ہوئی تھی, اور مجھے ابھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے جس کے بارے میں وہ ذکر کر رہی ہیں, کیا کہہ دیا, اور خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ جی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. کس کی طرف سے عزت محفوظ نہیں, یہ بتائیں تو صحیح نا, کس نے ایسا غلط کام کیا پارٹی میں, ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو تمام تر حقائق کا ابھی ذکر نہیں ہے. میں ذرا ملک احمد خان صاحب کو انوالو کروں گا. ملک صاحب, آج بڑا شو تھا آپ کی پارٹی کی طرف سے, ایک کنٹینیویشن آف ڈیموکریسی کی جو بات ہو رہی تھی اس کے لیے میرا خیال ہے آپ کی پارٹی کو سلوٹ بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے وہ ویکیوم جو ہے فل کر دیا, سیاسی طور کے اوپر فوری طور پہ آپ وزیر اعظم لے آئے, وہ معاملہ آپ نے سیٹل کر لیا. لیکن دوسری طرف امیر مقام صاحب کا نام آ رہا ہے کہ عائشہ گلالائے صاحبہ سے ملاقات ہوئی امیر مقام صاحب کی, اور اس کے بعد یہ بات سامنے آنے لگی ہے, اور فواد چودھری صاحب تو کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق بھی ہے امیر مقام صاحب سے, شاید سیاسی طور پر بھی کوئی. خواتین کو دیکھیں گے, بے شک آٹے میں نمک کے برابر مقدار ہوگی, لیکن یہ رسپانسبلٹی اب ٹوٹلی معاشرے کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے پروٹیکٹ کرنے کی, ڈیو جو عزت ہے وہ دینے کی, نہیں تو ہر گھر کے اندر خواتین موجود ہیں اور کہیں نہ کہیں کام کرتی ہیں, تو اپنے گھر کے اوپر بھی آپ کو پھر باریاں نظر آئیں گی, انگلیاں اٹھتی ہوئی نظر آئیں گی. تو ہمیں اس کا سیریسلی جائزہ لینا ہے اور اس کو پراپرلی اس کو ہینڈل کیا جانا چاہیے معاملے کو. میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ سے چاہتا ہوں کہ جتنی ابھی گفتگو ہوئی ہے آپ نے سنی ہے, آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں اس حوالے سے. جی جی, میں بالکل بات کرنا. ایک تو میں ایم کیو ایم کے جو میرے بھائی ہیں اور جو بول رہے ہیں کہ بڑی عورتوں کی عزت ہوتی ہے, الطاف حسین نے اللہ معاف رکھے جو زبان استعمال کی خواتین کے بارے میں, وہ آپ کو میرا خیال ہے یاد ہے, اٹ از آن ریکارڈ آلسو. تو میرا خیال ہے یہ تو بالکل ہی کچھ نہ کہے. آئی مین اٹ ہی ہیز امبیرسڈ دی ویمن آف ایم کیو ایم سو مینی ٹائمز کہ وہ ان بیچاریوں کو سمجھ نہیں آتی تھی, نظریں اوپر کریں کیا, منہ چھپائیں, جس طرح کی زبان الطاف حسین نے خواتین کو سامنے بٹھا کے کہا, نہ صرف اپنی خواتین کے لیے, ساجد صاحب نے ایڈمٹ کر لیا ڈاکٹر صاحبہ کی خواتین کے لیے, ڈاکٹر صاحبہ آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے, وہ ساجد صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا اور کہا کہ سوری کر لی تھی الطاف صاحب کو, ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا, لیکن اس وقت انہوں نے سوری کیا. دوسری نہیں کوئی سوری, ہر شام کو وہ آ کے غلاظت بولے اور صبح اس کے معافی مانگے, دس از نان ایکسیپٹیبل. نمبر ایگزام لگائے تو ان کو چاہیے, مجھے بات مکمل کرنے دیں, میں نے کسی کے درمیان انٹرپٹ نہیں کیا. نمبر ٹو, دیکھیے اگر الزام لگایا ہے عائشہ گلالے نے, اس نے کہا کہ جی وہاں کرپشن ہے, مقصد یہ ہے کہ اگر کرپشن ہے اور امیر مقام صاحب اسے ملاقات کر کے آئے ہیں, تو امیر مقام صاحب وہاں اپوزیشن میں تھے, تو اپوزیشن کا وہ پراپرلی رول پلے کرتے, ہم نے بھی تو اپوزیشن کا رول پلے کیا اور ہم نے ہر کرپشن کی نشاندہی کرائی, اور وی وڈ سو ٹو اٹ دیٹ اٹ واز ٹیکن ٹو اٹس پراپر انجام. اب مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے الزام تراشی انہوں نے جو کی, میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ عائشہ گلالے نے جو بات کہی, میں اسی پارٹی میں پچھلے 7 سال سے مسلسل
हमारी पूरी पूरी फैमिलीज, मेरी बेटियां, मेरी नवासियां, मेरी पोतियां अटेंड करने सारे फंक्शन आती हैं। जो बदतमीजी का एलिमेंट बीच में आया उसके लिए खास तौर पे सेफ गार्ड्स हैव बीन डन। अभी हमारा आजादी का जो फंक्शन हुआ उसमें आपने देखा कि देयर वाज अ कंप्लीट क्लोजर सेपरेटली फ्रॉम वेमेन, सेपरेट एंट्रेंस, और खास तौर पे उनको खवातीन को कहा गया कि आप ठहरिए, आप उस वक्त जाएंगे जब सब इस पोजीशन में होंगे कि आपको बाहर खैरियत से लेके जाए। मिसक्रिएंट्स कैन ऑलवेज कम एंड ज्वाइन एनी जलसा। अब आ गया मसला जहां डिसिप्लिन का ताल्लुक है। देखें आयशा गुलाले ने एक इल्जाम लगाया, किस किस्म का मौसरा है होने के नाते मैं कुछ नहीं कह रही। ये किस किस्म की सोसाइटी है जिसके अंदर आपको बाड़े लगाकर, बांस लगाकर, गार्ड बिठाकर खवातीन को अलैदा आपको बिठाना पड़ता है? ये मैं पीटीआई की हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं आप क्या चाह रहे हैं फैसल? एक सेकेंड, देखिए हम तो कम से कम वो खवातीन है और हमारी वो पार्टी है जो कोशिश करती है कि ये खवातीन बाहर आए, क्योंकि अगर इन खवातीन को हमने अपने साथ मेन स्ट्रीम में शामिल नहीं किया तो पाकिस्तान के अंदर, मैं आपको बता रही हूं, अगर बराबरी की इनको नहीं मिली जगह तो कभी पाकिस्तान में तरक्की नहीं आएगी। दे आर योर कंप्लीट हाफ ऑफ योर कंट्री, 50% of the population of Pakistan are women, and I assure you कि मैं खान साहब के साथ 7 साल से डील कर रही हूं। आज तक देखें, आफ्टर ऑल औरतों के साथ बात करते हैं, मैं सामने बैठी थी, मैंने आज तक कभी ना खान साहब को ऊंची बात करते हुए, ना कभी किसी किस्म की गलत बात करते हुए सुना। तो इस तरह का एक इतना बड़ा इल्जाम उन्होंने लगाया है, और आप मेरे भाई साहब जरूर कहते हैं इन टोटैलिटी वी हैव टू, एज अ वुमन आई वुड हैव टू एक्सेप्ट, बट मैं आई एम एस्टोनिश्ड दैट नथिंग हैपेंड फॉर 4.5 लॉन्ग इयर्स, ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैज हैपेंड टुडे। आज ही कुछ हुई है बात, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कल की परसों के जलसे में वहां तशरीफ रखती थी, ऊपर के स्टेज पे बैठी हुई थी। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा ख्याल है कर रही है, तो उसमें वो मामलात जो हैं सामने आ जाएंगे। मैं जरा मलिक साहब के पास जाना चाहूंगा। मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि जो मामलात अभी सामने आए हैं उसमें अमीर मुकाम साहब का नाम जो है वो पेश आ रहा है, और अगर कल कलां को ये मामला जो है कहीं पे सामने आ गया कि आप वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने जा रही हैं या अमीर मुकाम साहब से कोई ऐसी गुफ्तगू हुई थी जिसका कोई ताने बाने मिलते हो, तो फिर तो बहुत एम्बैरेसमेंट वाली बात होगी। अच्छा देखिए फैसल, एट द फेस ऑफ इट ये डिबेट किसी और तरफ जा रही है। फिलहाल मुद्दा क्या है? फिलहाल मुद्दा ये है कि एक सीनियर रुकन पार्टी की जो कि खातून है वो ये कह रही है कि मुझे, और उसकी बड़ी एग्जाम्पल आज के पूरे टीवी पे फ्लैश हुआ है कि उनकी कल एक अपनी पार्टी के चेयरमैन से मुलाकात भी हुई, तो वो क्या मुहरकात थे जिनकी बुनियाद पर फौरी तौर पर आके उन्होंने ये एलिगेशन लगाए कि पार्टी के अंदर हैरेसमेंट है। उनकी शिकायत सिर्फ इमरान खान साहब के किरदार तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है? नहीं, मैं स्लैंडरस बिल्कुल नहीं हूं। डोंट पुट इट रॉन्ग, देखिए बात सुने, एक सेकंड होल्ड ऑन, डोंट पुट इट रॉन्ग, मैं बिल्कुल इमरान के बारे में स्लैंडरस नहीं हूं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ये पार्टी के अंदर खवातीन के लिए हैरेसमेंट की एनवायरमेंट है, तो दिस इज द क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर कोई उनकी उनके इखलाकियात के बारे में मैं कोई गुफ्तगू करूं, वो सारी कौम ने देखी जिस वक्त उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर आजाद कश्मीर के, चाहे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थी चाहे जैसी थी, आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच जितनी भी काबिले एतराज थी, पर कौन हक देता है इमरान को यह कि वो स्टेज पर खड़े हो जाए और लोगों को गालियां वहां पर देनी शुरू कर दे? क्या ये पब्लिक ऑडियंस के नियम होते हैं, ये नॉर्म्स हैं? आज तक हमने तो जितनी मर्जी बेबुनियाद बातें सुनी, जैसी मर्जी तनकीद सुनी, आज तक हमने एहतियात का दामन नहीं छोड़ा। हम किसी जगह पर पब्लिक एड्रेस में किसी को अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ कतई तौर पर नहीं बुलाते। लेकिन मैं एक बात कह दूं, ये बात खातिर जमा रखें, ये दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये पहली बात है। आज ये जो आयशा गुलाले आई है, ये किसी महजब मुआशरे के अंदर वेस्ट में ये होता, कोई खातून ये एलिगेशन लगाती कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कंडक्ट के अंदर खवातीन के लिए हैरेसमेंट है, तो अभी तक सिविल सोसाइटी चीखती बाहर आती। आज कहां पर सोई है सारी सिविल सोसाइटी? क्यों नहीं उसके बात कर रही? एंड हु इज डिफेंडिंग इट? अभी डॉक्टर यास्मीन इस चीज को डिफेंड करेंगी? उनकी एक अपनी स्ट्रेचर है, एक अपनी पोजिशन है, हमें इनका एहतराम जरूर मौजूद है क्योंकि हम इनको सोशली जानते हैं कि इनका क्या करेक्टर है।
लेकिन एक बात मैं कहूं, ये एलिगेशन किसी सूरत भी जब तक उसको प्रॉपरली आकर वो उसके कंटेंट्स को निगेट नहीं करते अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। दूसरी रही करप्शन की बात, तो केपी की करप्शन फैसल जुबाने जदे आम है, केपी की करप्शन इन्होंने एक बड़ा इस दफा तरीका निकाला कि नए आए हैं, 3 साल इन्होंने मॉरल ब्रिगेड बन के लोगों के ऊपर इतना शोर मचाए रखा, धरना वन से लेकर आज तक इन्होंने कहां पर कोई इन्फॉर्म डिबेट आने दी, ये तो अब निकल रहे जब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आ रही है, अरबों रुपए की रिकंसिलिएशन है जो नहीं हो सकी, अरबों रुपए की मिस अप्रोप्रिएशन है जिसको ये बता नहीं सके, माइंस एंड मिनरल्स के पूरे पूरे पहाड़ जेकेटी को इनके फ्रंटमैन को दिए गए, इनकी अपनी अनीसा जेब वो आकर बताकर गई कि क्या मामला हुआ, वो उनके अपने मिनिस्टर्स कैबिनेट के अंदर से उठकर वो अफरीदी को खटकने किस बुनियाद पर अंदर उसके अंदर डाला, करप्शन के झगड़े थे ये सारे, और ये सब अब खुल के बाहर आएंगे। ये शेरपा साहब की पार्टी करप्शन की एलिगेशन पर बाहर निकाला और फिर खान खुद जिरगा लेकर गए उनको मनाने के लिए, ये थी करप्शन की मुहिम, ये करप्शन थी कि ये जाकर बताएंगे कि एहतसाब कमीशन बना 2.5 साल से ताला पड़ा है और ये भी नहीं पता कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आर 2 डिफरेंट सेपरेटेड कंपोनेंट्स और उसका उसको जज हाईकोर्ट के जज को एहतसाब का कमीशन लगाते, दिस इज गवर्नेंस, दिस इज गवर्नमेंट। अब अपने हिसाब देने की बारी आएगी, हमारा प्राइम मिनिस्टर तो गया अपने घर जाके बैठा, किस इल्जाम पर गया कि अपनी कंपनी अपने बेटे से तनख्वाह लेते थे, डिक्लेयर नहीं किया, कोई एक करप्शन का पॉइंट बताएं जो इन्होंने साबित किया उनके ऊपर, अभी जो ट्रायल चलेंगे वी विल सेव इट, हम बात करेंगे जाके वो प्रॉपर फोरम से एक एक बात का जवाब देंगे, रेफरेंसेस गए हुए वो मामलात उसके अंदर, रेफरेंसेस डज नॉट मीन अ कन्विक्शन फैसल जी, उस पर बात होगी। ठीक है, ठीक है, शाही सैयद साहब प्रॉपर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ये मामला जो है मीडिया के ऊपर डिस्कस होने वाला है, मेरे ख्याल में मीडिया के ऊपर डिस्कस तो हम कर रहे हैं लेकिन कंफाउंड होगा, मजीद इसके अंदर मसाइल आएंगे, आयशा गुलालाई साहिबा आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अपनी अपना बयान देंगी, रिजॉल्व कहां पे होना चाहिए ये मामला? मैं फिर ये चीज कहूंगा कि सिर्फ सियासतदानों की तजलील हो रही है और एक दूसरे को जलील कर रहा है, रस्वा कर रहा है, सियासत गाली बन गई, इसमें कोई शक नहीं है, सियासी माहौल बहुत खराब, बहुत खराब। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताऊं, देखो हम किसी पार्टी या किसी बंदे का नाम ना ले, लेकिन रिस्पेक्ट इज्जत होना चाहिए, माँ बहन बेटी होना चाहिए, एमएलए होना इज्जत नहीं है, उसको बेटी बना के बहन बना के वो रिस्पेक्ट माँ का दे करके वो एक इज्जत है जो कि शायद उसको नहीं मिला, और जो नहीं मिला वो पट पड़े, वरना वो एमएलए है, मौजूदा एमएलए है, इस पार्टी ने उसको ये इज्जत दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर आती है तो कोई वजूहत, और वो लिखी पड़ी खातून है, वो अभी पीएचडी करने जा रही है, पार्लियामान के यही पार्लियामान थी ना जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने श्री मिजारी साहिबा के हवाले से सोशल मीडिया ने कितना कंडम किया, उसको सोशल मीडिया ने कितना कंडम किया, बात सुनो, उसको सोशल मीडिया ने कंडम किया, लोगों ने मीडिया ने भी कंडम किया, सोशल मीडिया ने अल्ताफ हुसैन की बात की, अल्ताफ हुसैन ने बेहुदा गलत बात की, लोगों ने कंडम किया, उसने माफी मांगी, ये इस तरीके से अपने में जुर्रत पैदा करी, नहीं माफी मांगी, नहीं माफी मांगी। अच्छा मैं थोड़ा सा बताऊं जी साजिद साहब, मौजूदा माशरा जो हमारा माशरा है एक इस्लामी कल्चर है और यहाँ कुछ रीत रिवायत हैं लोगों के अपने अपने ख़ानदानी लोग असरसूख रखते हैं, उनके अपने भी कुछ कुछ बाउंड्रीज हैं ख़ानदानी कल्चर के अंदर भी, बिल्कुल, कि उसको वो क्रॉस नहीं करते। अब इस माशरे के अंदर अगर ख़वातीन क्या कहते हैं घर से निकल कर, अगर बीवी है तो शौहर उसको उस सियासी जमात के अंदर भेज रहा है, अगर बहन है तो भाई और वालदा वालिद उसको भेज रहे हैं वहाँ पर उस माशरे के अंदर, अगर माँ है तो बाल बच्चे उनको वहाँ भेज रहे हैं उस माशरे के अंदर उस सियासी जमात के अंदर, तो उसकी बुनियादी मकसद ये होता है उन लोगों का भेजने का कि वो एतमाद यकीन के साथ किसी पार्टी के अंदर अपनी माँ बहन को भेजते हैं कि उनको वो एतमाद वो इत्तेकाद वो यकीन मिले, ताकि वो इस यकीन के साथ, क्योंकि माशरे के अंदर सबका हक है कि वो सियासत करें, ख्वातीन का भी हक है, पाकिस्तान की 15% जिस तरह बता रही हैं ख्वातीन हैं, बिल्कुल उनका भी हक है, और पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, सबके अंदर बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के अंदर उनके नुमाइंदे ख्वातीन नुमाइंदगी उनकी मौजूद है, वहाँ एहतराम इज्जत भी है, लेकिन जब माशरे के अंदर इस किस्म के वाक़यात इंसिडेंट सानियात होंगे कि एक नौजवान खातून फट पड़े चीख पड़े और अपनी लीडर पर कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम एलिगेशन लगा दे और फिर
ایک خاتون ہے ہونے کی, اور پھر وقت بھی دیکھیے ان کا, ان کا پھٹنے کا, ان کے میرے خیال میں بہت مانی کھیز ہے کچھ لوگ. نہیں مجھے ایک بات اور, میرے خیال میں 6 مہینے گزار گئے وہ مغرب زدہ ماحول دے رہے. میرے خیال میں کوئی بھی خاتون اس قسم کا الزام کسی پہ نہیں لگائے گی. ٹھیک ہے نا, بہت بڑی, بہت جو الفاظ اگر آپ نوٹ کریں تو بہت بڑے الفاظ ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی جماعتوں کے اندر خواتین ہیں, تو پھر ایک ایسا کلچر سیاسی جماعتوں کا کام ہے, لیڈران کا کام ہے, ڈیولپ کریں تاکہ ان کو احساس تحفظ محسوس ہو وہ معاشرے کے اندر آ کے, تاکہ دوسری خواتین بھی نظام ہوگا جو ڈیولپ کرنا پڑے گا اس قسم کا ساتھ. اس کے لیے ضرور, اب میں تو بڑا حیران ہوں, ایک تو سیاسی جماعت کا کارکن کوئی حرکت کر دے تو چیز سمجھ میں آتی ہے, وہ لیڈر پہ الزام لگا رہی ہے تو وہ نظام تو لیڈر ڈیولپ کرے گا, وہ نظام وہ سسٹم اوپر سے نیچے تک لیڈر لائے گا, لیڈر نیچے تک چیزیں لے جائے گا. لیکن جب لیڈرشپ سے تحفظات ہو جائے تو پھر میرے خیال میں بہت بڑا عالمی ہے, پھر اللہ ہی سمجھائے, اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے میرے خیال میں. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, اس کے بعد ہم ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے یہ سامنے بات رکھیں گے کہ عمومی طور پر سیاست کے اندر خواتین کے رول کے حوالے سے, اور جو مرد حضرات ہیں ہمارے سیاستدان ان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے جو شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے بات کی تھی وہ بھی ابھی ہم بھولے نہیں ہیں. بات کرتے ہیں رویے کی, میں بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے سیاستدانوں کا, میل پولیٹیشنز کا, ٹورڈز فیمیل پولیٹیشنز. کیا سمجھتی ہیں آپ, ریفارم ہونے والا ہے, ریفارم کون کرے گا, پارلیمان قانون بنائے اس کے لیے, پارٹیوں کے اندر عدلیہ آئے اس کے اندر, پولیس کو انوالو کیا جائے, کیا کریں؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں پرٹیکولرلی آفٹر ضیاء الحق دیر ہیز بین, وہ کہتے ہیں اتنی ڈیمنائزنگ ہوئی کام, اور خواتین کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی تھی, ٹو کم آؤٹ آف اٹ ہیز ٹیکن اس ایجز. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جی دیکھیں, اس وقت میں ایک پارٹی کی کارکن ہوں, اور میری طرح ہزاروں خواتین ہماری اس پارٹی کی کارکن ہیں. جب آپ ایک پارٹی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ, میں نے یہ بتا رہے کہ 7 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے جی. میں کچھ تو دیکھ لیتی نا, تو میں آپ سے بالکل غلط بیانی نہیں کر رہی, بیکاز میرے لیے خواتین کی عزت جو ہے وہ اولین ہے. میں عورت کی عزت پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں, وجہ میں یہ کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ خاتون کی عزت کرنی چاہیے چاہیے. اب میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنے کم سے کم سامنے آج تک کبھی کسی خاتون کے بارے میں, میں اپنے لیڈر کی بات کر رہی ہوں, آئی ڈونٹ نو واٹ ہیرسمنٹ شی از ٹاکنگ اباؤٹ, میں نے آج تک کبھی عمران خان صاحب کو کوئی غلط لفظ کسی خاتون کے بارے میں, اس کے غلط بات طریقے سے بات کرتے ہوئے میں نے آج تک کبھی دیکھا نہیں. سو اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھیے کہ خواجہ آصف صاحب نے کیا زبان استعمال کی, سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے شادی کی خواہش کا اظہار اسٹیج سے کیا تھا, آپ اپنی بھابھی نہیں لے کر آتے ہیں, پھر الزامات آ جاتے ہیں ایسے, تو پھر آپ ریفرنڈ کرنے لگتے ہیں. شادی نہیں کرنی چاہیے انہیں, ہمیں تو کوئی بری بات چھوڑ کر میں نے شادی کی خواہش کی, یہاں لوگ بغیر خواہش کی چار چار پانچ پانچ شادیاں کر لیتے ہیں, ان پہ تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, حد ہو گئی ہے. اور بےچارے نے اگر شادی کی خواہش کرتی تو آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں. فیصل مجھے نہیں, شادی کی اجازت کی بات کر رہے ہو گئی آپ کی, شادی آپ کون سی بات کر رہے ہیں ملک؟ آپ لوگ شادی اسٹیج سے کرتے ہو, ملک سے مانگتے ہو کہ میں شادی کروں, پھر ادھر سے آواز آتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ بیچ میں, میں آپ بول رہے تھے تو میں بالکل درمیان میں انٹرپٹ نہیں کر رہی تھی. سب سے بڑے افسوس کی یہ بات ہے کہ تین مرد بیٹھے ہوئے ہیں, میں بات کرتی ہوں, تینوں کے تینوں درمیان میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے سب سے زیادہ ٹائم اسی لیے آپ کو دیا ڈاکٹر صاحب, اگر یہ خواتین کی ڈیفنس کی بات ہے, میں خواتین کی ڈیفنس کر رہا ہوں, خواتین نہیں کر رہی, میں بول رہی ہوں تو درمیان میں بات سب بول رہے ہیں, تینوں خواتین کو ڈیفنس کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ٹائم اسی لیے میں نے آپ کو دیا کہ تین مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ڈیفینڈ کر رہی ہیں, اور ہم خواتین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہم خواتین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, خواتین کو نہیں کر رہے جی. اچھا مجھے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ میں, have you heard me interrupting anyone? I didn't say a word. تو جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے بات تو مکمل کرنے دینی چاہیے. دیکھیے عائشہ گلالے کرنے لگی ہے نا پریس کانفرنس, let her come out and say what has happened. ہمیں تو اس بار کے بارے میں کوئی بات نہیں پتا. اور میں نے آپ کو کہا کہ خاتون کی عزت بہت عظیم, اور جی میں ملک احمد صاحب, میں یہ کہوں گا کہ
थोड़ा सा थॉट प्रोसेस का फर्क है। जैसे शाही सैयद साहब को ये बहुत बुरा लगेगा कि स्टेज के ऊपर खड़े होकर कोई कहें कि ये मैं अपनी शादी की बात वहां पर करें, तो वो एक शायद कुछ कल्चर का और कुछ एक थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस का फर्क है। मैं उसको उसको दूसरी बात में नहीं लेके जाऊंगा। और डॉक्टर साहबा जिस तरह कहेंगी, क्योंकि डॉक्टर साहबा एक बड़ी आई हैव गॉट रिस्पेक्ट और उनका इस तरह से बात, लेकिन एक बात मैं सर आपसे कहूं कि खवातीन अपनी इज्जत खुद करवा लेंगी। खवातीन जब आपको इस तरह की वॉइस उठती नजर आएंगी, जब वो डरेंगी नहीं, जब वो किसी बात से सहमेंगी नहीं। आयशा गुलाली इज अ ब्रेव वॉइस, वो उन्होंने आकर एक हरेसमेंट की बात की है, तो सियासी जमात के अंदर जब एक रुकने कौमी असेंबली उस हरेसमेंट की तरफ इशारा करेंगी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये इसको आप एक इवेंट के तौर पर ट्रीट करें कि एक बहादुर लड़की आप देखें तो सही उसकी बैकग्राउंड क्या है। वो बेशक इनकी स्पोक्स पर्सन थी, वो इनके लिए एक बड़ी वोकल थी, वो इनकी मेंबर थी, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर इवेंट पे बात करना चाह रहा हूं। अब अगर वो आके बाहर खड़े होके कुछ कहें तो पूरी मीडिया का, पूरी सोसाइटी का, एवरीबडी हैज अ राइट कि उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को इवेल्युएट किया जाए, और अगर वो जो कह रही है उसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हों जिन पर आपके और मेरे तहफजात थे। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अगर ख्वाजा आसिफ ने शीरी मजारी के बारे में कुछ कहा तो कौन उसको अप्रिशिएट करता है? आई सिटिंग इन द पार्टी, आई डोंट लाइक दोज वर्ड्स जो ख्वाजा साहब ने कहे, नहीं कहने चाहिए थे, तकरीम रहनी चाहिए थी। लेकिन वो तो एक स्टायर थी, वो भी डेरोगेटरी थी, नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये सीरियस एलिगेशन है फैसल, दिस इज समथिंग विच इज टेकन अस बिल्कुल ऑफ गार्ड। ये कभी तस्वर किया जा सकता था कि कौमी असेंबली की रुकन उठे और वो उठ के कहें कि हरेसमेंट है? किस एनवायरमेंट में कहें कि कल जब वो मिलकर आ रही है, वो करप्शन की बात कर, वो तो एक अलहदा मामला रह गया, वो ये तो डर्टी लॉन्ड्रिंग और ये सारी हो रही है एक दूसरे के खिलाफ, इसमें तो चलता रहेगा, जो साबित होगा जो होगा देखेगा। पॉलिटिक्स एक नए इरा में दाखिल होगी, अब सियासत हरफे इज्त में हरफे हतक बन गया। इस चीज से हम डरते थे और जो डर आज हमारा दीवारों पर लिखे, हम जैसे भी मीडियोकर क्लासेस के लोग इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये जो एक गाली बनती जा रही है इसको रोकेंगे भी हम, फोर्सफुली रोकेंगे जो लोग इसको गाली बना रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब नए वजीर आजम, वो तो आज वेलकम कर रहे थे, कह रहे थे चलें तरीके इंसाफ वाले हमारे हमें इसी बहाने से याद तो रखते हैं। नहीं देखें, बात सुने, तरीके इंसाफ की तरीके इंसाफ के साथ जो मेरा शिकवा है वो ये, मेरा शिकवा ये है कि ये नमाज मकूस वाला हिसाब है इनका। बात सुन लेते हैं, फौरी तौर पर शोर मचा देते हैं, उल्टा काम शुरू कर देते हैं। बात पहले, अब भाई बाबा पहले किसी चीज की तस्दीक किया करो, फिर तहकीक करके बात को आगे लेके चला करो। अब ये जो पूरा शोर 1843 की पिटीशन में मचा रहा, पूरा केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन बना दिया, टर्न द व्हील री इन्वेंट कर दिया, पूरा एक सिस्टम उखाड़ के रख दिया, लेड डाउन फाउंडेशंस ऑफ द लॉ, उन सारी को नजरअंदाज करवा दिया। ऐसे नहीं कभी हुआ भाई। ठीक है, बेहतर। शाही सैयद साहब, आपने थोड़ा मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये सवाल मुख्तलिफ है। वजीर आजम साहब को आपने मुनासिब नहीं समझा कि इस इंतखाब के अंदर आप भी हिस्सा लें? क्या वजह हुई इतना आप नाराज हो गए इस निजाम से? नहीं नहीं, उसूली मौके भी है कि हम चूंकि अपोजिशन में, हुकूमत में तो है नहीं कि हुकूमत को वोट दे। अब अपोजिशन में बैठ के हुकूमत को वोट देना हमारे समझ में से बात आप ना कैंडिडेट ले आते हैं। एक मिनट, अच्छा जिनने लाया, किसी ने 4 का अलग, 33 का अलग, 47 का अलग, ये ड्रामा हम नहीं करना चाहते थे। और अपोजिशन तितर बितर दिया, अगर अपोजिशन सोच के बैठ के हमें बुलाते किसी एक को देते तो हम सब अपोजिशन के साथ देते, तो ऐसे अपोजिशन का क्या साथ की वजह से सारा खराब हुआ माहौल? इमरान खान की वजह से, उससे पूछे बगैर, साथियों से अपोजिशन पूछे बगैर शेख रशीद का नाम ले लिया। ये ये बोलता कि भाई शेख रशीद मेरा कैंडिडेट है, बाकी पार्टी अपोजिशन आ जाए बैठ जाते हो बात करते तो हम जाते, लेकिन उसे तो अनाउंसमेंट कर दिया, तो पीपल पार्टी ने भी उसको साथ नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया, जमात साहब ने अपना, जमात साहब भी उसकी इत्तेहाद ही है, उसके बाद पेशावर खैबर पुलवामा में बैठे ने भी अपना मतलब कैंडिडेट खड़ा किया, वो जुहाद किया, इसलिए कि अपोजिशन अपोजिशन नहीं है वो। इमरान खान साहब ने कल नारा लगाया था जरदारी साहब के हवाले से कि अब तुम्हारी बारी, अब ये अब वो कल आपके हवाले से भी अगर नारा लगा देंगे तो वो ऑप्शन खुली रख रहे हैं मेरा ख्याल है। ये अच्छी बात है, रखे, हम भी देखते हैं नजारा, देखो होता क्या है। अब अफसोस की बात है, अब इसका अपना MNA मौजूदा जो लोग जाते हैं, हुकूमत खत्म होती है, करप्शन का इल्जाम आ जाता है। आज अल्ताफ हुसैन की बातें हो रही है क्योंकि उसको तो पनाह कर दिया, लेकिन लोग बैठे हुए अभी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम, उसकी अपनी हुकूमत के MPA का उसके ऊपर इल्जाम, हाउस में से नारे लगते हैं कि इसने करप्शन किया हुआ है, अब ये अजूबा है। साहिद साहब, आपके गुमशुदा जो कारकुन है उनके हवाले से यकीन दहानी कराई आपको शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, और आपके तहफ़ुज़ात थे उनके हवाले से आपको यकीन दहानियाँ करवाई, आपने तो कंडीशनल सपोर्ट की ना? बिल्कुल, हमने कंडीशनल सपोर्ट उनको किए।
अच्छा उसमें लेकिन अब वो कंडीशनल सपोर्ट आप विड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं करेंगे भी नहीं। अच्छा उसमें सपोर्ट करने की बुनियादी वजह और ये भी थी हमारी, वो इसलिए कि मुस्लिम लीग नून से हमारे पुराने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं सबसे, बल्कि तमाम सियासी जमातों से हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की दो सियासी जमातें कभी दो तीन मरतबा पीपल्स पार्टी, तीन मरतबा तीसरी मरतबा इनका नून लीग का हिटानोवर चल रहा है, इस दफ़ा जो हमने बातचीत की है उसका बुनियादी मकसद ये है कि एमकेएम के 150 कारकुन लापता हैं, छापे गिरफ्तारियाँ आज भी जारी हैं। इसके अलावा जो और बुनियादी वजह सपोर्ट करने की और आपने क्या कहा कि ये खत्म होने चाहिए छापे और गिरफ्तारियाँ, नाजायज़ छापे और गिरफ्तारियाँ ख़त्म होनी चाहिए। कल तक तो ये था कि चलें ठीक है, बहुत सारे इशूज़ थे, रा के इल्ज़ाम और दीगर इल्ज़ाम थे, लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बाउंड्री, पाकिस्तान के सर्कल में रहकर हम काम करना चाह रहे हैं। हम आगे भी अल्ताफ़ हुसैन साहब का सियासी वेंग, हम इल्ज़ाम लगाने को कुछ कोई कुछ भी लगा दे, किसी का मुंह नहीं रोक सकते, किसी की ज़बान नहीं रोक सकते। अच्छा दूसरा हमने दूसरी जो हमने इनसे हमारी बातचीत हुई है खाकान अब्बासी साहब उनकी पूरी टीम से मुस्लिम लीग नून की, हमने रखा कराची में डेवलपमेंट के फंड के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार के हवाले से हमने उनसे बात की है, क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान को 65% रेवेन्यू दे रहा है, 65 मैं आगे जा रहा हूँ, 65% रेवेन्यू कराची दे रहा है वफाक को, लेकिन कराची को पीपल्स पार्टी ने बेरा यार मदगा छोड़ दिया है, वफाक ने भी छोड़ा हुआ है बिल्कुल, कोई डेवलपमेंट की मद में कोई काम नहीं हो रहा। ज़ुबैर साहब ने जो इनके गवर्नर हैं उन्होंने 18 अरब रुपए का कोई मंसूबा बनाया है, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कुछ उन्होंने चूज़ किए हैं, तो हमने भी आप खाकान अब्बासी साहब से मुस्लिम लीग नून की टीम से ये कहा है कि उन प्रोजेक्ट को कागज़ से निकाल कर रोड पर लाएँ, गलियों में लाएँ, मोहल्लों में लाएँ, शहर के अंदर लाएँ, ताकि कुछ दिखे। इस शहर के अंदर 4 मरतबा ऑपरेशन हुआ, वाना फाटा सवात के अंदर भी ऑपरेशन हुए, वहाँ पर बड़े बड़े पैकेजेस दिए गए हैं, लेकिन इस शहर के अंदर 4 मरतबा ऑपरेशन हो चुका है, लोग मारे भी गए, गिरफ्तार भी हुए, लोगों ने सफ़र किया है, कौमों ने इस कम्युनिटी ने सफ़र किया है, लेकिन डेवलपमेंट की मद में कोई फंड आज तक नहीं दिए गए। वादा कर दिया उन्होंने साहब, क्या कहा उन्होंने वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने बिल्कुल कहा बिल्कुल इंशाल्लाह इस मरतबा हम नज़रसानी करेंगे और कोशिश करेंगे हवाले से नजर डेवलपमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट फंड के हवाले से, सिटी गवर्नमेंट के बल्दे नुमाइंदों के इख्तियार के हवाले से, एमकेएम के कारकुनान जो लापता हैं उनके हवाले से, जो गिरफ्तार हैं उनके हवाले से, जो जेलों में कैद हैं नाजायज उन पर केसेस बने उनके हवाले से, ठीक है बिल्कुल उन्होंने कहा है, हमें यकीन दहानी कराई है, हम एक मरतबा फिर इन पर एतमाद कर रहे हैं, अब इनका ज़र्फ़ ज़मीर है कि ये कितना पूरा करते हैं। उम्मीद से अब आप घर जा कराची वापस जा रहे हैं, हम सब उम्मीद से। तमाम तर मेहमानों का, मलिक अहमद खान साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शाहिद सैयद साहब, साजिद अहमद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने शिरकत की। नाज़रीन जब गैर मामूली नौयत की डेवलपमेंट्स आती हैं या वाकयात होते हैं तो नॉर्मल कोर्स जो सियासत का है आपने देखा वो किस तरह डिस्टर्ब होता है। आज बात होनी थी नए वज़ीर आज़म साहब के हवाले से, उनके नारे और उनके वादों के हवाले से, लेकिन इंस्टेड बात कहाँ चली गई जो एक गैर मामूली बात थी आयशा गुलालाई साहिबा के शिकायत के हवाले से। इतना कुछ ही कहूँगा, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, फैसल शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।